हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। घड़ी बज रहे 5 और फ्रेंड्स, मैं सुबह 5 बजे का मैं लंच बॉक्स बाबू लोग को तैयार कर रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैं गुजिया बनाना है बाबू लोग को। तो यहाँ पर बाबू लोग का खाना था मीठा, तो मेरे पास था किचन में सोन पापड़ी, तो मैं सोन पापड़ी का गुजिया बना रही फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक रोटी के आकार का बेल ली हूँ, और मेरे पास था गुजिया काटने वाला, तो इसी से मैं एक आकार दे रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, उसमें सोन पापड़ी भर के और उसको मैं गुजिया का आकार दे दी हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा सा फ्राई लाल होने पर इसको निकाल लूँगी फ्रेंड्स। देख सकते हैं इस तरह से बाबू लोग के लंच बॉक्स में मैं पैक कर रही हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। और खाने काफ़ी स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर बाबू लोग का लंच बॉक्स मैं पैक कर देती हूँ फ्रेंड्स, और बाबू लोग रेडी हो चुके हैं जाने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों बाबू रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। यहाँ पर मेरा छोटा वाला बाबू आशीर्वाद लिया और बड़ा वाला भी बाबू आशीर्वाद लिया और स्कूल के लिए रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और दोनों बाबू अपने बैग में बाटल रख रहे हैं, तो आप लोग को मैं अपने बालकनी में से दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पर बाबू मेरे रेडी हो चुके हैं और बाय बोले, उसके बाद स्कूल चले गए। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं नन्हे मेहमान, जो आप लोग को मैं अपने ब्लॉग में दिखाई भी हूँ, नए मेहमान आ गए हैं। बाबू लोग जाते हैं तभी, तो इनको कुछ देने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को मैं सारे काम करने के बाद फिर मिलती हूँ। मैं ममता सिंह, माई यूट्यूब चैनल ममता है संतोष ब्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो घड़ी बज रहे हैं सुबह के 10 और फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो चुका है और थोड़ा बाकी है, तो उसको मैं शाम को करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि कोई काम करने से पहले शुरुआत करने, या सुबह हो या घर का ही क्यों नहीं काम हो, मतलब तो आप भगवान का दर्शन मिल जाए और भगवान का सुबह उठ के मतलब कि दर्शन मिल जाए, तो बहुत ही दिन तो अच्छा बीतता है और मन भी बहुत ही शांत रहता है। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं उठती हूँ अपने रूम से और सीधे मैं भगवान का दर्शन करती हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग को भी मैं अपने ब्लॉग में दर्शन हमेशा कराती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं भगवान जी का मतलब मैं जब भी नहाती हूँ भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ। और सुबह भी फ्रेश जब भी मैं उठती हूँ, मंदिर में नहीं जाती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन दूर से उनका आशीर्वाद मतलब हाथ जोड़ के ले लेती हूँ। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा बीते और आपका कृपा हमारे पर बनाए रखे। तो मैं यही मतलब जब भी मैं उठती हूँ, मैं यही कामना से उठती हूँ फ्रेंड्स। और इसलिए मैं कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब भी शुरुआत करिए, भगवान के आशीर्वाद से शुरुआत करिए, बड़ों के आशीर्वाद से शुरुआत करिए, तो दिन तो आपका बहुत ही अच्छा बीतता है। और जो कि उनका बड़ों का आशीर्वाद हो और भगवान का आशीर्वाद हो, तो कोई भी मुश्किल काम हो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग को मैं अपने ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा दिखाती रहती हूँ भगवान का, भगवान जी का आप लोग पर भी आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, इसीलिए मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और तो दोस्तों, और अभी मैं खाली हो गई हूँ और सारा घर का काम भी मतलब हो चुका है और थोड़ा बाकी है, तो उसको मैं शाम को कर लूँगी। तो फिर देखिए, मैं अभी बालकनी में हूँ, धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो इधर पापा जी जा रहे हैं, सरसों है जो आप लोग में दिखाई थी, सरसों उसी का तेल बनाने मतलब मशीन में ले जाएंगे, उसका तेल मतलब बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग में दिखा रही, देख सकते हैं वहाँ पर पापा जी हैं और ले जा रहे हैं, तो मशीन में ले जाएंगे फ्रेंड्स। मशीन में ले जाने के बाद उसको मतलब पीसा जाता है, उसके बाद तेल निकलता है। तो पापा जी वहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं वहाँ पर आप लोग को। तो मैं अभी खाली हूँ फिर, और बारिश का भी मौसम है, और सुबह थोड़ा बारिश हुआ है, इस टाइम थोड़ा धूप है। तो देख सकते हैं वहाँ पर है पापा जी, देख सकते हैं गए पापा जी। तो और नाश्ता भी हो गया है, और अभी आज मतलब भी गुरुवार है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स शुक्रवार है। तो शुक्रवार के दिन मतलब तेल मशीन में पापा जी ले जा रहे हैं। और कहा जाता है कि मंगलवार और शनिवार के दिन या संडे के दिन तेल नहीं मतलब जो होता है सरसों, उसको मशीन में नहीं मतलब पीसा जाता है, पिराया जाता है। तो आज शुक्रवार है फ्रेंड्स, इसलिए पापा जी गए हैं मशीन में लेके। तो मैं अभी बालकनी में खड़ी हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग को मैं बता दूँ, आज बाबू लोग को मैं टिफिन में बनाई थी गुजिया। तो फ्रेंड्स, मेरे किचन में था सोन पापड़ी का जो मिठाई होता है फ्रेंड्स, तो वही था। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो बाबू लोग बोले मम्मी कुछ मीठा बनाइए। उन लोग को मैं लंच बॉक्स में मैं गुजिया बनाई थी फ्रेंड्स, तो काफ़ी टेस्टी होता है, जैसे बिस्किट का हुआ, खोआ का हुआ, बर्फी का हुआ,
और सब पपड़ी हुआ, मैं कई किस्म का मतलब गुजिया बाबू लोग को बना के देती रहती हूँ, जैसा किचन मतलब सामग्री रहती है फिर उसी तरह मैं बनाती रहती हूँ। तो बाबू लोग सुबह बोले थे कि मम्मी आप कुछ मीठा बनाइए, रोज़ सब्जी रोटी देती हैं। मतलब फ्रेंड्स मैं हमेशा जो बाबू लोग का टिफ़िन होता है उसको मैं चेंज करती रहती हूँ, और एक मतलब रोज़ डेली सब्जी रोटी देंगे तो बाबू लोग भी नहीं खाते हैं वो, और सारे बच्चे मतलब अच्छे अच्छे टिफिन लेके जाते हैं तो उनका भी मन करता है कि मम्मी हमको भी दे। तो बताइएगा फ्रेंड्स आप आज की मेरी आप लोग को साड़ी कैसी लगी, आप लोग को अपने ब्लॉग में दिखाई भी हूँ ये साड़ी को, तो काफ़ी ये साड़ी हमको ज़्यादा पसंद आती है, तो फ्रेंड्स मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग इस पर भी बना लूँ। और फ्रेंड्स बता दूँ कि जो कि बच्चों के टिफिन बॉक्स में मैं आज गुजिया दी थी, तो आप लोग को बता भी मतलब थोड़ा सा दिखा भी दूंगी। घर का शुद्ध मतलब हम सोचते हैं कि कोई मार्केट का सामान कम, घर का जो बना हुआ है होता है मैं बाबू लोग को ज़्यादा दूं, तो अक्सर मैं सब्जी पूड़ी और सब्जी रोटी थोड़ा मैं एक दो दिन पर चेंज करती रहती हूँ बाबू लोग का लंच बॉक्स। और जो मेरे किचन में होता है जो चीज़ जो बच्चे नहीं खाते हैं उसको सोचते हैं कि थोड़ा अलग बना कर दूँ कि बच्चे भी खा जाए, और जो कि उनका थोड़ा जैसे हरी सब्जियाँ होती हैं कितने बच्चे होते हैं कि नहीं खाते हैं, तो मैं जैसे लौकी हुआ तो कितने बच्चे होते हैं लौकी की सब्जी नहीं खाते हैं, तो उसको मैं लौकी को थोड़ा सा मतलब रेत के उसको आटे में मिक्स करके उसकी मीठी पूड़ी मीठी और हलवा में जैसे हलवा भी बनता है फ्रेश लौकी का पूड़ी हुआ और कचौड़ी और वैसे उसकी जो कि काफ़ी सामग्री बनती है, और मैं अपने बच्चों को अलग अलग आइटम मतलब देती रहती हूँ, तो उनका भी मन करता है कि टिफ़िन मतलब उसे भी टिफ़िन तो ले ही जाते हैं फिर घर पर भी नाश्ता करते हैं। तो आज मैं आप लोग को फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ कि मैं अभी थोड़ा खाली हुई, तो अभी घर का मतलब सारा कपड़ा मैं कल व्यस्त हो गई थी मतलब खेत में उतेला था उसको तोड़ने के लिए। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं अपने ब्लॉग में कल दिखाई भी थी, कल मैं मतलब टाइम ही नहीं मिला कि बाल झड़ूँ कोई मेकअप करूँ आप लोग के आगे आऊँ, तो मैं मतलब सोचती मैं जैसा हूँ फ्रेंड्स आप लोग को ऐसा ही पसंद आऊँ, और ज़्यादा मतलब मेकअप उतना मैं करती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन बहुत कम कहीं जाना होता है मार्केट जाना होता है या किसी की शादी में पार्टी में तो तभी मैं मेकअप करती हूँ, और ऐसे घर पर बहुत कम करती हूँ जो घरेलू उपाय मतलब घर के जो क्रीम उसे भी मैं कोई ऐसे क्रीम तो लगाती नहीं हूँ। दादी मम्मी के ज़माने का आ रही फिर लवली क्रीम बस मैं वही यूज करती हूँ, अगर कोई क्रीम मैं यूज नहीं करती हूँ बहुत कम, अगर मैं कहीं जाना होगा तो ज़रूर मैं मेकअप करती हूँ थोड़ा बहुत आता है फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं आता है। तो फ्रेंड्स मेरा भी सारा कपड़ा कल का उसी तरह मतलब मैं समेट के लाई, उसको मैं अभी तह लगाना भूल गई थी, तो फ्रेंड्स चलिए मैं कपड़े को तह भी लगा, आप लोग के सपोर्ट के बिना तो मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा भी नहीं आगे बढ़ पाऊँगी। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता दूँ जब मैं फर्स्ट वीडियो डाली थी तो हमको पहले बोलने में बड़ा डर लगता था कि मैं मतलब घर में तो सभी से मैं बोलती रहती हूँ लेकिन सबके सामने बोलना होता है तो थोड़ा सा फेस कैमरा को देख के हमको काफ़ी डर लगता था, और क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ ये भी डर लगता था कि आप लोग मतलब कि प्यार देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन फ्रेंड्स मेरा आप लोग मेरे फर्स्ट ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिए, मतलब व्यूज तो ज़्यादा नहीं है लेकिन प्यार तो दिए उतने ही हमारे लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स व्यूज़ से क्या होता है आप लोग इतना सपोर्ट करें वो बहुत महत्व होती है हाँ थोड़ा, और फिर इसलिए मैंने सोचा है कि आप लोग को आप लोग को मैं अपना कंटिन्यू ब्लॉग देती रहूँगी, आप प्यार दें या ना दें आप देखें या ना देखें लेकिन सपोर्ट तो करेंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए फिर से आप लोग से बातें बहुत मतलब करनी है लेकिन चलिए कपड़े को भी तह लगा देती हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स जब बच्चे आ जाते हैं तो घर पर मतलब उनका होमवर्क कराना, ड्रेस चेंज करवाना और जूता निकालना, बैग रखना, टिफ़िन निकालना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ्रेंड्स काफ़ी बच्चों के साथ करना पड़ता है, और टाइम भी नहीं मिल पाता है कि मैं थोड़ा सा आप लोग को मैं बाबू के साथ मतलब बाबू लोग जब पढ़ते हैं या कोई भी कार्य करते हैं फिर तो आप लोग मैं डालती भी हूँ, तो आप लोग इतना सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरे बाबू लोग आ गए हैं स्कूल से और घड़ी बज रहे हैं डेढ़ बजे आ जाते हैं फ्रेंड, तो दोपहर का समय फ्रेंड, तो देख सकते हैं दोनों बाबू आ गए और बड़ा वाला बाबू अभी आ रहा है और नीचे हमसे बात भी कर रहा है। तो आप लोग को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मेरा छोटा वाला बाबू जो बॉय अक्षर होता है बॉय अंग्रेजी का अक्षर और बॉय से ही देख सकते हैं बॉय बनाया है, और आप लोग को अभी बना रहे हैं आप लोग को पूरा बनाने के बाद दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा जो कि लड़का बनाया है बॉय से, जो बॉय अंग्रेजी होता है फिर उसी अक्षर से बनाया है, तो देख सकते हैं कितना सुंदर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा है, लग रहा है कि नहीं बॉय एकदम बॉय जैसा लग रहा है। फिर मम्मी जी क्या कर रही हैं? क्या बेटा देखो ये छत पर
पर डाले थे। तो फ्रेंड देखिए छत पर डाले थे, फैलाए हुए थे और बारिश भी हो रहा है। इसको समेट लेते हैं और बादल भी देख सकते हैं किस तरह का बादल घिरे हुए हैं और पानी भी मतलब बारिश भी हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको सारे मैं इसी में भर लूँगी फिर, और जब धूप होगा तो इसको मैं फिर फैलाऊँगी। तो अभी देख सकते हैं फिर देखिए मैं अभी छत पर हूँ और मौसम भी काफ़ी सुहावना है। और फ्रेंड्स मैं अभी दोपहर को मतलब ये आधा घंटा हुआ छत पर डाल के गई थी, धूप था, मैंने सोचा थोड़ा धूप है डाल देते हैं, नहीं तो बारिश से जो कि सारे मतलब छाँव में रखूँगी तो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा थोड़ा धूप हुआ है और उसको थोड़ा धूप में डाल देती हूँ। तो डालने के बाद आधे सोने लगा तो फिर हमको आना पड़ा उठाने के लिए। तो यहाँ बारिश कस्क नहीं हो रही फ्रेंड्स, मतलब एक एक के बारिश हो रहा है। तो चलिए सारे मैं मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बाबू इंग्लिश का होमवर्क कर रहा है। शाम का समय है फ्रेंड्स, घड़ी बज रहा है 5, तो शाम का फ्रेंड्स मेरा बाबू होमवर्क कर रहा है, देख सकते हैं इंग्लिश लिख रहा है। तो मैं अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा होमवर्क भी दिखा देती हूँ, सारा काम पड़ा है तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए फ्रेंड्स। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए फ्रेंड्स। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।